खासदार उदयनराजे भोसले कॉलर उडवतात, स्टेजवर नाचतात, ही भाजपची शिस्त आहे का? थेट केंद्रीय मंत्र्यांना प्रश्न विचारताच काय म्हणाले पहा। आपने बिल्कुल भाजपा कही थी कि आपकी पार्टी अनुशासन प्रिय है। आपके बाजू में बैठे हुए जो राज्यसभा के सांसद है वो खुलेआम कॉलर उड़ाते हैं, डांस करते हैं लड़कियों के साथ, वो जो चल रहा है ये अनुशासन है आपको ऐसा लगता है? देखिए यहाँ पर बैठे नहीं, पूरा अनुशासन है। हाँ। व्यक्तिगत रूप से कोई क्या करता है, व्यक्तिगत टिप्पणी पर एक चेहरा है, एक चेहरा है बीजेपी का, और अगर ये ऐसा हो रहा है तो आपको ये लग रहा है कि ये अच्छा हो रहा है? व्यक्तिगत आरोप हो सकता है, नहीं व्यक्तिगत बात नहीं, ये खुलेआम हो रहा है, ये सभी तरफ पार्टी के कार्यक्रम में उन्होंने डांस किया है। भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम, मैं आपको वीडियो दिखाऊं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी थे उनके साथ भाई हमारी। आप ये अगर ऐसा हो रहा है, ये उसको आप उलझाना चाहते हैं वो बात, देखिए आप तर्कपूर्ण बात करिए। आप जैसे पत्रकार हैं जिस समय पर यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने घर में क्या करते हैं ये हमारा विषय नहीं है। आप अपने किसी फंक्शन में जाते हैं, आप क्या करते हैं वो आपका विषय है। हमारी पार्टी के कार्यक्रम में, हमारे संगठन में, हमारे चुनाव में हमारे सभी नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह से अनुशासित है और संपूर्ण रूप से ये अनुशासित राजनीति। अगर कॉलर उड़ाना और डांस करना अनुशासित है तो ये बीजेपी का अनुशासन हम मानते हैं, ठीक है, फिर आपका उत्तर मिल गया हमें। ये आपका भ्रम नहीं, आपका उत्तर मिल गया, ये आपका भ्रम है। नहीं नहीं, मेरा भ्रम नहीं, आपने उत्तर दे दिया। किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जीवन शैली पर आप नहीं, व्यक्तिगत जीवन शैली, ये ऑन स्टेज हो रहा था, हजारों लोग देख रहे थे स्टेज, पार्टी के किसी कार्यक्रम में हो रहा था, पार्टी के लोग भी शामिल थे ना, के लोग मिश्रा जी, अबे पार्टी के लोग व्यक्तिगत उस समय होते हैं, जब पार्टी का कार्यक्रम होता है तो पार्टी का सामूहिक कार्यक्रम होता है, वो पार्टी का कार्यक्रम होता है, अब पार्टी के 10 लोग एक जगह इकट्ठे हैं वो व्यक्तिगत कार्यक्रम। सर पिछले कुछ दिनों से तनावपूर्ण परिस्थितियां निर्माण हो रही है, जैसे कुशेसावली में जो भी हुआ, तो पब्लिक का जो रोष है खास करके मुस्लिम संगठनों का, ये बीजेपी की तरफ और है, और कोई भी युवा मुस्लिम जो है वो अभी बीजेपी को वोट नहीं देगा। देखिए तो ये इसके ऊपर आप क्या कैंपेन है, कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो। मिशरवरी सबस्क्राइब करा तीचा जागर न्यूज, शेजारी दिलेलं बेल आयकॉन म्हणजे घंटी दाबा, जेणेकरून तुम्हाला आमच्या साऱ्या अपडेट्स येत राहतील।